कैसे हो बेटा? हमारे टू टैप चैप्टर्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, राइट? फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपने स्टडी कर लिया होगा, एंड सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा। आई होप दैट नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड चैप्टर। बेटा काफ़ी ईजी चैप्टर है, राइट? वेटेज की हिसाब से सबसे इजी चैप्टर माना जाता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो बेटा आप स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन बेटा मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स? तो सिंपल है, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बस कुछ रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स। आपको मालूम है ना कुछ रियल नंबर्स क्या होते हैं? ओके, तो रियल नंबर्स अगर मैं आपको बोलूँगा तो क्या बोलोगे आप? 1, 2, 3, 1/2, 4/5, ये सारे रियल नंबर्स हैं। बेटा ये जो रियल नंबर्स है ना, वो रियल नंबर्स को हमें अरेंज करना है। ये नंबर जो हमें अरेंज करना है वो प्रॉपर सिक्वेंस में अरेंज करना है, राइट? ऐसे नहीं कि एक रो में तीन एलिमेंट्स हैं और एक में एक है, ऐसे अरेंज, इसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बोलते हम। तो प्रॉपरली अरेंज करना है, राइट? उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कि भाई एक रो में तीन एलिमेंट्स चाहिए, दूसरे में तीन चाहिए, कि एक में वन कॉलम होने चाहिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, यहाँ पे एलिमेंट्स का कोई रूल्स नहीं होता है कि इतने एलिमेंट्स चाहिए और इतने नहीं चाहिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टॉपिक इज द मैट्रिक्स। जो है उसका सिंबल सबसे पहले जानना जरूरी है बेटा, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, राइट? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज लाइक 1, 2, 3, 3, 4, 5। तो ये मैंने एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर ली। क्या कर ली? प्रॉपर अरेंजमेंट, राइट? तो ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट कर ली उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। बेटा यहाँ पे कितनी रो है? तो 2 रोज, एंड कितनी कॉलम है? 3। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम हो जाएगी। बेटा ऐसे अगर हम जनरल इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा? तो कोई भी मैट्रिक्स को हम एम क्रॉस एन से डिफाइन करते हैं, एम क्रॉस एन से डिफाइन करते हैं। एम क्या है? नंबर ऑफ रोज। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो मैट्रिक्स में है, ये मैट्रिक्स में कितनी रोज है? एम रोज। कितनी कॉलम है? एन कॉलम। इसी हिसाब से मैट्रिक्स डिसाइडेड होता है, बहुत सिंपल रूल है, समझो। यहां पे मैंने 1 क्रॉस 2 लिख दिया, सिंपल, दैट इज 1 रो एंड 2 कॉलम, दैट इज 1 एंड 3, 1 रो एंड 2 कॉलम। तो ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नाउ हम इसका डेफिनेशन ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? द सिंपल वे, टेल मी व्हाट इज द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन प्रॉपर सिक्वेंस। इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? टू रिप्रेजेंट या अरेंजमेंट या अरे ऑफ द नंबर्स इन वन ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट स्टार्ट द मैट्रिक्स, टू इंपॉर्टेंट वर्ड वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट वर्ड रो एंड कॉलम, व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम? सो द सिंपल मीनिंग इज रो, दैट मीन्स एनी एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज कॉल्ड द रो। एनी एलिमेंट्स इन द वर्टिकल लाइन, इट इज कॉल्ड द कॉलम। सो इट इज सिंपल मीनिंग ऑफ द मैट्रिक्स। सो द सिंपल डेफिनेशन ऑल्सो इज देयर, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एनी रेक्टेंगुलर, इट इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लाइक दिस वे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9। और एन अरे, द सेम मीनिंग, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एन अरे ऑफ नंबर्स, बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ दिस। ओके, एन क्लोज इन ब्रैकेट लाइक दिस, सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट इज कॉल्ड
द मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स एंड इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स। हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस। बेटा मैट्राइसिस का फर्स्ट टॉपिक इट्स डेफिनेशन, राइट। सिंपली सी हियर, व्हाट इज द डेफिनेशन, सी हियर, फर्स्ट वर्ड क्या है, एनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी, टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी। तो सिंपल मीनिंग एनी दैट मींस कोई भी, आपको क्वेश्चन होना नहीं चाहिए उसमें क्वेश्चन होगा नहीं होगा, इट इज वेरी क्लियर कि एनी दैट इज कोई भी। दूसरा वर्ड क्या है, रेक्टेंगुलर। इतने बड़े बच्चों को समझाना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर होता क्या है। नहीं, एवरीबडी नोज वेरी वेल कि रेक्टेंगुलर होता क्या है, राइट। थर्ड वर्ड क्या है, अरेंजमेंट। अब भाई अरेंजमेंट किसकी करनी है, कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसकी करनी है, तो रियल नंबर्स की। तो अरेंजमेंट करनी है रियल नंबर्स की, कहां पे करनी है, कोई स्पेसिफिकेशन दिया है कि कहां पे अरेंजमेंट करनी है, नहीं दिया है, दैट मींस वो स्पेसिफिकेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। वो क्या है, तो वो दिया है हमें ऐसे कि भाई आपको जो भी अरेंजमेंट करनी है वो आप ऐसे कोई ब्रैकेट में करो या फिर ऐसे कोई ब्रैकेट में करो, दोनों में से कोई ब्रैकेट में आपको अरेंजमेंट करनी है। कैसे करनी है, तो स्पेसिफिकेशन दे दिया, रेक्टेंगुलर करनी है, राइट। तो रेक्टेंगुलर का मतलब तो ऐसे भी हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अरेंजमेंट कैसे है, रेक्टेंगुलर। ये अरेंजमेंट कैसी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो अरेंजमेंट है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ए भी अरेंजमेंट कैसी है भाई, 1, 2, 3, ये भी रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, बट ध्यान में रखना रियल नंबर्स होने चाहिए और कोई होने चाहिए, तो वो जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं भाई मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई, एक तो डेफिनेशन, दूसरा उसका सिम्बॉल। व्हाट इज द सिम्बॉल ऑफ मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो बेटा मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सिंपल है बेटा कि मैट्रिक्स को ए इक्वल टू ए आई जे, समझना है यहाँ पे, ए आई जे एम क्रॉस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप समझो कि भाई ए आई जे एम क्रॉस एन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन। तो भाई ए आई जे एम क्रॉस एन का सिंपल मीनिंग क्या मालूम है, कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये रोज एंड कॉलम बहुत सिंपल है, कि भाई मैंने यहाँ पे अभी एक एलिमेंट्स लिखा हुआ था 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो भैया हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको बोलते हैं हम रो, एंड वर्टिकल लाइन पे जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको बोलते हैं हम कॉलम। तो एम क्रॉस एन का जो मीनिंग है वो यही है कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम इन द गिवन मैट्रिक्स, राइट। अब देखो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 क्रॉस 3, सिंपल। तो उसका एक सिंपल मीनिंग क्या है भाई, 2 रोज एंड 3 कॉलम। अब आप मुझे बताओ कि 2 रोज एंड 3 कॉलम तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो वो तो 6 एलिमेंट्स आएंगे, वो क्लियर हो गए। चलो तो कौन से आएंगे, तो A11। A11 का मतलब क्या है, I एंड J को रिप्रेजेंट करो। I क्या कर दिए, I का मतलब क्या है कि भाई कौन सी रो में एलिमेंट्स हैं, J क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी कॉलम में एलिमेंट्स हैं। तो A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। समझो यहाँ पे A12 लिख दिया तो क्या होने वाला है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A21 A22 A23 तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो AIJ M क्रॉस N वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन द गिवन मैट्रिक्स, इट इज द सिंबल ऑफ द मैट्रिक्स।